खाना लेकर आए, खाना खिला कर आए, उसके बाद में हमारे आदमी को सांप ने काट लिया। कैसा सांप था? नांग ने काटा, उन्होंने आंखों से देखा है, बताया हमें। तो कितने लोगों, फिर उनको क्या हुआ? सही हो गए, ठीक हो गए, क्या हुआ? ऐसा हुआ, लौंडा हमारा लेके गया जो दवा देता है सांप काटने की, उसके पास वही हमारा आदमी खत्म हो गया। तो खेत में पानी लगा रहे थे? पानी लगा रहा है धानों में। तो अब तक कई लोगों को सांप काट चुका है? हाँ, काट चुका है। कितने लोगों को काट चुका है? कितने की मौत हुई है? मौत 3 लोगों की हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा खातून। तो गांव में कैसा लग रहा है आपको, बार बार सांप काट रहा है लोगों को? तो गांव में कैसा लगेगा, हमें तो अच्छा ही ना लग रहा है। जो हमारा आदमी चला गया, हमारी जिंदगी बेकार होगी। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है आपको? हमें कुछ ना मिली है, सरकार कोई देख ना रही है आकर, ना हमें देखा आकर, ना अब तक आए सरकार यहाँ देखने को। कितने दिन हो गए आपके आदमी को खत्म? 1 महीना हो गया। गांव में कई लोगों को सांप काट चुका है, तो आपको डर लगता है कि कहीं? तो डर लगता है, तो अब क्या करें, हम खटिया शाम को बैठ जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं? ना। क्यों नहीं निकलते घर से? डर के मारे ना निकलते हैं कि दोबारा हमें भी ना काट ले। नाम है आपका? गीता। गीता जी, आपकी लड़की को क्या हुआ? पूजा करके जा रही बाइक पर, कहाँ जा रही थी पूजा करके? बैठ पाए ना अंदर लेटी तख्त पर। अच्छा, तो कितने लोगों को सांप काट चुका है अब तक यहाँ पर? यहाँ कम से कम काट लो 46 जने। कितने की मौत हुई है, कितने लोग सांप की काटने से मरे हैं? 3 जने। तो क्या लगता है, क्या माहौल है गांव में, दहशत कैसी फैली हुई है, क्या? अब इसके तो मालिक जाने का दहशत। आप लोगों को डर लगता है कि सांप आ ना जाए, काट ना ले किसी को? हाँ, वो तो लगती है, पर चले कहाँ जाएंगे, एक दिन थोड़ू है ना, कोई सरकार देख रही है, कोई कार्रवाई ना है। कितनी उम्र थी आपकी लड़की की? मेरी लड़की की थी 18 साल। पढ़ती थी जी? पार्सल 9th करा, आप नहीं पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी। क्या नाम था लड़की का? संध्या। दिख रहा है क्या मामला? ये है कि जब नबीसा नेताजी अपने खेत पर खेत प्रधानों को पानी लगाने गए थे इंजन से,
तो वो सरप इच्छा धाई ना गए, वो रास्ता को चलता है। अगर वो इस रास्ता को आ रहा है और दूसरा आवाज़ दे दी और आवाज़ देकर चलता है कि मेरी रास्ता छोड़ दो, तुम उसकी रास्ता छोड़ दोगे तो वो उस रास्ता को निकला चला जाएगा, तुमसे बोलेगा नहीं वो। और यहाँ की तुमने उसको रोका टोका तो छोड़ेगा नहीं वो। तो उससे इच्छा धारी ना गए नफिसन को काटा है, और वो काटने के बाद जो है वहीं रहता है, और भाग रहने के बाद 4 किलोमीटर की रेंज में रहता है, हर आदमी के खेतों में रहता है। दूसरी बात, जब उनको काट लिया वो 3 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो गए। उसके बाद जो है गाँव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, सपेरा बुलाए, 6-7 घंटे बीन भजवाई। तो अब इंसान का काम होता है गांव में रहने का, सरपों का काम होता है जंगल में रहने का। जब उन्हें तुम जंगल में भी ना रहने दोगे तो और क्या बम्बई चले जाएंगे रहने का, फिर वो गर्म गाँव में आ गए। तो इच्छाधारी नाग जो है अपना रूप बदलता है, पता नहीं कौन से रूप में आ जाए वो। तो वो जब बीन बजाई जंगल में उसे ना रहने दे रहे हैं, तो इच्छाधारी नाग ने अपने चेला चाटे गाँव में भेज दिए, तो छोटे छोटे नाग बन गए, हर आदमी को काट रहे हैं। यही समस्या है और कोई समस्या नहीं है। कुछ गांव के हिंदू मुसलमानों कमी है जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं और ना होने दिया है कुछ लोगों ने। क्या मान रहे हैं कि किसी उसको सपेरे को भी बुलाया था, उसका क्या हुआ? सपेरे आए बुला के बुलाए और वो इच्छाधारी नाग जो है उसके बीन पर नहीं आया, नांगन आ गई उनके बीन पर, नांगन आ गई तो उनको पकड़ के ले गए। 4-6 दिन के बाद उस सपेरा को कोड़ होने लगा, उसका हाथ गल ले आए, फिर भी उसके उस्ताद ने कही सपेरा के तू जहाँ से ही नांगन पकड़ के लेकर आया है नांगन भाई छोड़ जाकर, ना तू भी कोड़ तुम्हारा पूरा शरीर में कोड़ हो जाएगा। तो वो इच्छाधारी नांग है और किसी के बस का नहीं है ना पकड़ना और ना मारना। तो क्या वो यहाँ छोड़ गया है? वो रहता है यहाँ, नागिन नहीं, वो नागिन को यहाँ छोड़ तो छोड़ गया वो, जब उसको कोड़ होने लगा तो छोड़ गया वो। और जो कम से कम आज की संख्या जो है 50 लोगों ने की है, जनाने मर्दाने हिंदू मुसलमान काटने की, मगर इच्छाधारी सांप जो गांव में नहीं आता है, उसने अपने चेला चाट भेज दिए, छोटे छोटे सांप पड़काते हैं वो सब लोग काट रहे हैं। तो क्या पूजा नहीं हुई, क्या पूजा होनी चाहिए? पूजा तो अब तो ये गांव वाले जानते होंगे भाई, हिंदू धर्म में हिंदू पूजा होती है, मुसलमान धर्म में मुसलमान पूजा होती है। जब तुम किसी की दावत कर दोगे शाम को जो है उसको दावत में नहीं ठहराओगे और नहीं खाना खिलाओगे तो उसे गुस्सा आएगी नहीं आएगी भाई? जैसे हम तुम्हें वैसे देवी देवता है, जब उन लोगों की पूजा नहीं करोगे उसकी दावत नहीं दोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर। पैर में क्या हुआ ये? कौन से कीड़े ने काटा? सांप ने देखा नहीं। तो कैसे काटा आपने? क्या माहौल है गांव में? बहुत बुरा माहौल है, 3-4 लोग खत्म हो गए। कितने लोगों को काट चुका है सांप? 50-60 काट चुका। मेरा नाम साहब मोहम्मद नबी जी। क्या हुआ आपकी बीवी को? हमारी बीवी के साथ सर्प ने काट लिया। कैसे काटा? बाहर नगरी मतलब ऐसा उठा रही थी घर में लाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो बस उनके पैर में वो मार दिया। मैं गया था नमाज़ पढ़ने के लिए मगरी, फिर मैंने आके देखा नमाज़ पढ़ के, मैंने कहा क्या बात हो गई? तो बोले भाई मेरे इस पैर में किसी ने मुँह मार दिया। मैंने जाकर देखा वो किसी को दे गया, फिर मैं उन्हें लेके भागा पिपले एक बाबा हैं हमारे, वहाँ लेके पहुँचाऊँ, वहाँ उन्होंने दवा हुआ भी खिलाई, फिर वहाँ से दूसरी जगह जी कई जगह में लेके गया, उनको कंट्रोल नहीं हो पाया, उनका इंतकाल हो गया, वो ख़त्म हो गया। कितने लोग मरे हैं सांप के काटने से आपके गांव में? हमारे यहाँ सांप के काटने से साहब 3 लोग मरे हैं। और कितने लोगों को काट चुका है साहब? और तो सुन ही रहे हैं साहब कि मुझे काट लिया, ये तो खैर खास करके पता नहीं, मगर उपाय तो बतेरी हो रही है, सुना तो बतेरा जा रहा है कि आज उस मोहल्ले में काट लिया, आज उस मोहल्ले में काट लिया, मगर दवा खा करके बाकी और सब सही है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सांप से दहशत का माहौल है गांव में, क्या माहौल बना हुआ है? हाँ दहशत तो है, बच्चे डर रहे हैं, बड़े भी डर रहे हैं कि पता ना किधर से क्या आ जाए, सांप का एक माहौल हो गया है। किसी बाबा वगैरह को भी बुलवाया था यहाँ पे क्या? ना वो तो सांप काटे का इलाज करते हैं बेचारे, उनको बुलवाया था, उन्होंने कहा एक को यहाँ पे काट लिया था हमारे बराबर में, तो उनके लिए मतलब उन्होंने दवा वगैरह खिलाई थी, वो सही हो गई। क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? खेत पे चरी काटने गई थी, सांप ने काटा था। कैसा सांप था? कारा। कितने लोगों को काट चुका है सांप अब तक? 50-60 को काट ही लिया। और किसी की मौत भी हुई उसमें? हाँ 2-4 की हो गई। गांव में क्या माहौल है इस समय? गंभीर। सांप काट चुका, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की? गांव के लोगों ने इस तरह की शिकायत की है, लेकिन इसमें ये भी एक पहलू आ रहा है कि लोग भ्रामक बातें फैला रहे हैं, उसका भी संज्ञान लिया गया है। साथ ही साथ
प्रभागीय वन निदेशक डीएफओ साहब को निर्देशित किया गया है कि खुद जाए, अपनी टीम को लेके जाए और अगर ऐसी कोई बात है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करके अगर कोई जहरीला सांप है उसको पकड़ के जंगल में छोड़ दें। कल डीएफओ टीम गई थी वहाँ पर सांप भी मिला था लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं है और वहीं छोड़ा है। सांप बहुत तरह के होते हैं, कुछ जहरीले सांप होते हैं, कुछ बिना जहरीले सांप होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जहरीले सांप की तलाश जारी है और जल्दी ही काशीपुर से सपेरे को भी बुला लिया गया है और इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तो मृतकों को कुछ सरकार से सहायता मिली, उसकी जांच की जा रही है, एसडीएम उसकी जांच कर रहे हैं और जो यथासंभव मदद होगी किया गया।